Hello everyone, my name is Priyanka and today we will discuss the first chapter of class 5th, that is the lifestyle of animal. So what is lifestyle? Lifestyle kya hoti hai? Lifestyle is basically the day to day life, or we can say it is the activities which is performed in our daily life. Jo hum din bhar mein kya karte hain, jo animals hote hain, we know that दिस वर्ल्ड कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. छोटे से लेके बहुत बड़े जानवर तक इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है. छोटे से छोटा जानवर भी हमने देखा है, बड़े से बड़ा जानवर भी हमने देखा है. तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो ग्रुप है, इतना वेराइटी है प्लांट एनिमल्स का, ये किस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ को कैरी कंटिन्यू करते हैं, कैरी आउट करवाते हैं. वो खाना कैसे खाते हैं, वो दिन में सोते कैसे हैं, वो वॉक कैसे करते हैं, वो अपने शिकार कैसे करते हैं, वो अपने बच्चों को प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन उनमें किस तरीके से होता है, वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं. तो यही सब जो चीज़ें हैं जो हम बेसिक अपनी डेली रूटीन में करते हैं, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, वही एनिमल्स में किस तरीके से परफॉर्म की जाती है. यही सारी एक्टिविटीज़ एनिमल किस तरीके से परफॉर्म करते हैं. हमने कभी नहीं सोचा है कि प्लांट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं. तो इस चैप्टर में हम यही सारी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ द लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो हम पढ़ेंगे. डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में क्या आता है? डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में आता है वो ब्रीथिंग कैसे करेंगे, ब्रीथिंग, वो खाना कैसे खाएंगे, फीडिंग, वो मूवमेंट कैसे शो करेंगे, वो एक जगह से वो हंटिंग कैसे करेंगे. तो यही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. तो पहली एक्टिविटी जो मैंडेटरी होती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है फॉर अ लिविंग क्रिएचर टू बीइंग अ टू कीप इट अलाइव, किसी भी लिविंग चीज़ को अलाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? हमारे लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है, हमारे लिए ब्रीथिंग ज़रूरी है. तो पहला जो पॉइंट है वो हम लेंगे, दैट इज़ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इन एनिमल्स. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग का मतलब क्या है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होगा. ब्रीथिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज इन्हेलेशन टू इन्हेल एयर, एंड एक्सहेलेशन दैट इज टू एक्सहेल एयर इज नोन एज ब्रीथिंग. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ब्रीथिंग में क्या होता है? इनहेल करना है एयर को और एक्सहेल करना एयर को, उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं. अब हम इनहेल कौन सी एयर कर रहे हैं और एक्सहेल कौन सी एयर कर रहे हैं, इनहेलेशन का मतलब होता है. अब हम इनहेलेशन देख लेते हैं. इनहेलेशन मीन्स टू इनहेल एयर. अब एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर भी होता है. तो हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? तो वेन एवर वी इनहेल एयर, तो जो एयर होती है जिसे हम इनहेल करते हैं, जिसे सारे एनिमल्स इनहेल करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन इज इनहेल थ्रू द नोज और वी कैन से थ्रू द माउथ ऑल्सो. जो एयर होती है फ्रॉम द एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट में से, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एनवायरमेंट में से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, इनहेलेशन किस तरीके से होता है, हमें पता है. हमारे पास दो लंग्स होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में. तो ये लंग्स जब एक्सपेंड होते हैं, मतलब जब ये फैलते हैं, तो जो एयर होती है वो बाहर से अंदर जाती है. हमने यहाँ से एयर इनहेल करी, वो अंदर जाते 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 हमारे लंग्स में पहुँच जाती है. पर उसके पहले लंग्स को एक्सपेंड होना पड़ता है. जब तक आप, कोई भी एग्जांपल के तौर पर हम लें, जब तक हम पैकेट को खोलेंगे नहीं, उसे पूरा ओपन नहीं करेंगे, उसमें हम कोई चीज़ डाल नहीं सकते, उसी तरीके से जब तक हम लंग्स को एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसमें हम एयर फिल नहीं कर सकते. तो ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपन्स, lungs
एक्सपेंस एंड एयर गोज इंटू द लंग्स एंड हैंस दे फिल अप विथ एयर एंड हैंस द लंग्स फिल्ड विथ एयर. तो जो लंग्स होते हैं वो एयर से भर जाते हैं, ठीक है. इसे हम बोलते हैं इनहेलेशन. अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन देख लेते हैं. एक्सहेलेशन मतलब टू एक्सहेल एयर. अब हम कौन सी एयर, कौन सी गैस को एक्सहेल आउट करते हैं, ठीक है. कौन सी गैस को एक्सहेल आउट करेंगे हम, यहाँ पे जो गैस होती है उसे बोलते हैं CO2. CO2 इज एक्सहेल्ड आउट थ्रू द नोज इनटू द एनवायरनमेंट. हम कौन सी गैस को एक्सहेल आउट करते हैं, हम CO2 गैस को हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस हुई है उसे एक्सहेल आउट करते हैं, ठीक है. अब इस प्रोसेस में कैसे होता है, एक्सहेलेशन किस तरीके से होगी. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो लंग्स होते हैं, लंग्स विल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड CO2 रशेस आउट ऑफ द लंग्स थ्रू नोज. जो लंग्स जो इनहेलेशन के टाइम पे एक्सपेंड हुए थे, अब वो लंग्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जब भी कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्क्वीज होती है, तो उसमें से बाहर कोई ना कोई चीज़ निकलेगी. तो जब हमारे जो लंग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो CO2 होती है वो रिलीज आउट होती है और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, नोज से होती हुई बाहर आ जाती है. तो इसे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन. अब ये O2 और CO2 का यहाँ पर क्या काम है, जो O2 होती है, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी थी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, उसका क्या काम होता है, वो हमारी बॉडी में जाने के बाद जो हमने खाना खाया था उसका अंदर जाने के बाद जो ऑक्सीजन होती है वो चॉपर की तरह एक्ट करती है. मतलब हमने खाना खा लिया, खाने में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं हम, मैगी खाते हैं, बर्गर खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल बाटी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें ये हैवी है, ये ऐसे के ऐसे हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती. तो इन सारी चीज़ों को पहले छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होना पड़ता है. इसके लिए कौन हेल्प करता है, इसके लिए जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी थी एनवायरनमेंट से, वो अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर जाके चॉपर का काम करती है और जो भी खाना हमने खाया है उसे ब्रेक डाउन करती है, उसे सिंपल और सोल्यूबल और एब्जॉर्बल फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है उन्हें. और फिर उन जो फूड पार्टिकल होते हैं जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको फिर हम लोग यूटिलाइज करते हैं एज फॉर्म ऑफ एनर्जी. उनसे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. खाना हम क्यों खाते, ताकि हमें एनर्जी मिले. पर जो खाना हम ऐसा का ऐसा खा रहे हैं वो ऐसा का ऐसा हमारी बॉडी उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकती. पहले उन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा. उसके लिए जो ऑक्सीजन होती है वो हम इनहेल करते हैं. जो ब्रीथिंग होती है वो बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है, टू ब्रेक डाउन द फूड एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो जो भी हमने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करती है, चॉपर की तरह एक्ट करती है. और फिर जो पार्टिकल्स मिलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेकडाउन के बाद जो हमें पार्टिकल मिलेंगे उसे फिर हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. तो ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पे क्या काम करती है, चॉपर का, और एनर्जी को हमें प्रोवाइड कराती है CO2. अब ये जो प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेक डाउन हुआ है और हमारी बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब किया है, तो उस प्रोसेस में एक गैस और रिलीज होती है. जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो कुछ वेस्ट तो निकलता ही है, तो कुछ भी वेस्ट जो निकलता है, तो इस प्रोसेस में जो वेस्ट निकलता है वो CO2 गैस होती है. अब ये जो CO2 गैस है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, CO2 को एक्सहेल आउट कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं. और इसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं. अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ब्रीथिंग किस तरीके से होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, थैंक यू.